नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास नाइन्थ के ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 32 और 33। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों एंगलों को विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 67.5 डिग्री का कोण बनाओ। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को भी विस्तार से। यहाँ पे भी सबसे पहले हम ए बी एक रेखा ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी एक रेखा ले लेंगे। तो ए और बी हमने एक रेखा ले ली है। अब हमने इस ए बी रेखा पे बनाना है 67.5 डिग्री का एंगल। तो आइए सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु ए पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, जैसे कि आपने इसे पिछली वीडियो पे भी बनाया था। तो सबसे पहले हम 90 का बनाते हैं। तो ये बन गया है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया जी एच आई, और इस बिंदु को मैं नाम देती हूँ जे, और इस बिंदु को मैं नाम देती हूँ के। तो ये मैंने सबको नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया है 90 डिग्री का एंगल। अब हम क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे हम सेम वैसे ही 75 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है यहाँ से, और जैसे आपने पहली चाप यहाँ से लगाई थी, तो दूसरी चाप आपने पहली चाप वैसे ही हमने क्या करना है कि इसी को, यहीं से हमने पहली चाप को जो ऊपर तरफ आपने लगाई थी, इसी चाप को हमने आगे बढ़ा देना है। और जो दूसरी चाप लगेगी हमारी, वो आप 90 की जो ये वाली जो लाइन थी, उसकी जो यहाँ जो वाली पॉइंट है जे, उसी से हमने ये चाप इस तरह से लगा लेनी है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी कैसी आएगी, आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और इस तरह से आपने ये वाली लाइन डॉटेड में लगा लेनी है इस तरह से। तो ये आ गया है हमारा 75 डिग्री का एंगल, ये 90 का है और ये 75 डिग्री का एंगल। अब हमने बनाना है 67.5 डिग्री का एंगल इस तरह से। तो ये हमने बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो पहली जो चाप हमारी है ये 60 डिग्री की है, और ये वाला हमारा 75 का एंगल वाली लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली चाप हम लगाएंगे यहाँ इस 60 से, इसके लिए पहली चाप हम यहाँ 60 लगाएंगे, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। और जो दूसरी जो चाप लगेगी वो हमारी इसके ये वाली जो 75 की जो लाइन है यहाँ से, इसको मैं नाम देती हूँ L, इसको इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है L। अब दूसरी जो चाप लगेगी हमारी वो बिंदु L से लगेगी, और ये इस तरह से जहाँ पे भी आपस में कटेगी इस तरह से इस बिंदु पे, तो उस बिंदु को मैं मिला दूंगी बिंदु A के साथ, और यही वाली लाइन जो है हमारी डार्क लाइन आ जाएगी। और इस तरह से ध्यान से आपने इसको आपने पक्का करना है। तो और इस तरह से ये वाली जो लाइन हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी, ये बन जाएगा हमारे 67.5 डिग्री का एंगल ये वाली, तो जो कि बिल्कुल 60 के बिल्कुल बीच में होगा और 75 के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। दी हुई रेखा पर प्रकार द्वारा 105 डिग्री का कोण बनाओ। तो आइए देखते हैं अब इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी एक रेखा ले लेंगे। तो इस तरह से ए बी मैंने एक रेखा ले ली है, ए और बी। अब हमने इस ए बी रेखा पे बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें ए बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो ये बना लिया है हमने 90 डिग्री का एंगल, उसको आप नाम देते हैं जी एच आई, और इस बिंदु को आप दे सकते हैं नाम जे, और इस बिंदु को नाम दे सकते हैं के, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमने बना दिया है 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो हमारा एंगल होता है, ये वाले जो पहली चाप होती है वो होती है 60 डिग्री की, यानी कि 60 डिग्री की, और जो दूसरी जो चाप होती है वो होती है 120 की, तो यानी कि 120, और ये है हमारी 90 की। तो जो 105 का जो बनेगा, 105 का जो बनेगा वो 120 और 90 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से एक चाप इस यहाँ से लगेगी बिंदु जे से, और एक चाप आपकी जो है आई से लगेगी, सेम वही प्रोसीजर। तो उसके लिए क्या करना है, आपने प्रकार आपने उतनी ही खोल के रखनी है जितनी आपने यहाँ जो आपने चाप लगाई थी उतनी खोल रखनी है, और आपने क्या करना है, जो चाप आपने यहाँ से लगाई थी पहली चाप आप यहाँ से लगाएंगे 120 से, उतनी ही प्रकार आपने खोल के रखी है जितनी आपने खोल रखी थी, और एक चाप आप यहाँ से लगा देंगे
90 वाली से और दूसरी चाप आप लगा देंगे 20 वाली से। जो आपने ये वाली जो चाप लगाई थी इसी को चाहे आप उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और दोनों चापें जहाँ पे आपस में कट रही है उस बिंदु को आपने बिंदु ए के साथ आपने मिला लेना है। और ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये वाली लाइन जो है वो आपकी डार्क लाइन आएगी इस तरह से। तो आप इसको आपस में मिला देना है। तो आप इसको चाहे तो नाम दे सकते हैं। तो ये वाली बिंदु, ये लाइन हमारी सी आ जाएगी। तो ए बी सी जो है ये पूरा का पूरा आपका 105 यानी कि 105 डिग्री का एंगल बन जाता है।